जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार में आई प्राइमरी वैकेंसी के डिटेल सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और इस वैकेंसी को कैसे क्रैक करें और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में प्राइमरी का, ये दो पार्ट में होने वाला है। जो हमारा पहला पार्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स के पेपर में आपको 120 मिनट दिया जाएगा, जिसमें जो हमारा पार्ट वन होगा उसमें दो लैंग्वेज आएगा, एक परमानेंट लैंग्वेज जो कि इंग्लिश होगी, और एक हमारा हिंदी उर्दू जो दूसरी लैंग्वेज होगी, हिंदी उर्दू संस्कृत पंजाबी कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी अपनी पसंद पे। लेकिन जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो परमानेंट होगी, वो कंपलसरी होगी। और जो हमारा पार्ट वन होगा वो क्वालिफाइंग होगा, यानी उसमें आपको कम से कम 30 मार्क्स लाने होंगे और फिर आपका एग्ज़ाम ये वाला पार्ट वन क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो हमारे स्कूल टाइम में भी 100 नंबर का पेपर होता था और हमें 33 मार्क्स लाके उस पेपर को पास करना होता था, तो सेम इसमें भी वैसे ही है, हमें बस 30 नंबर लाना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जैसे ही आप 30 नंबर ले आते हो आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 30 नंबर भी नहीं ला पाया तो उसका पार्ट टू चेक ही नहीं होगा, यानी वो यहीं से बाहर निकल जाएगा रेस से। तो 30 नंबर तो बहुत मामूली नंबर होते हैं, हर कोई ला सकता है, बस आपको थोड़ा कुछ पढ़ना है। जो भी मैं यहाँ पे सिलेबस बताने वाला हूँ, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपके 30 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे, 60-70 मार्क्स आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। तो और इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट टू की, तो पार्ट टू हमारा 120 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, जो पार्ट टू होगा हमारा वो 120 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी 120 नंबर के लिए 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें हमारे कुछ 6 से 7 हमारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, और यही आपका डिसाइडिंग पार्ट होगा। जिसने इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लिए उसका सिलेक्शन लगभग कन्फर्म हो जाएगा। और इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो कि स्कोरिंग है, जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स भी ला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मैथ्स हो गया, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स आप बड़े ही ईजिली ला सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने DSSB का भी एग्ज़ाम दिया है, KVS का भी एग्ज़ाम दिया है, जो इसका जो टॉपिक्स हैं वो एकदम DSSB की तरह ही हैं। और जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी रीजनिंग में भी आप फुल में से फुल मार्क्स बड़े ही आसानी से ला सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो है सोशल साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद हमारा है जनरल अवेयरनेस, फिर है EVS एंड ज्योग्राफी, फिर है जनरल साइंस, और इसमें एक नया इस बार सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है जो कि है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी जितने भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हमारे इतिहास में हुए हैं उन सभी के बारे में 10 नंबर आपका यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए इन सब का डिटेल सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट वन की बात करेंगे हिंदी में। आपके अगर आपने ये सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 50 से 60 मार्क्स बड़े ही अच्छे से आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, दूसरे नंबर पे वर्तनी, संधि, समास, तत्समय एवं तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकीतियाँ, संज्ञा और सर्वनाम, लिंग और वचन, कारक विशेषण और विशेष्य, क्रिया, काल, वाक्य, अविकारी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो अगर ये सभी आपने पॉइंट्स अगर आपने बुक से पढ़ लिए, आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है आप वो परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से,
वो उस बुक्स में सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंक्लूड हैं और बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ ये सभी पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं, आपका जो हिंदी है वो इजीली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और जितने भी हमारे बिहार के खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इंग्लिश को सिर्फ क्वालिफाई कर रखा है, यानी इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अगर इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते तो ये उनके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो उसको क्वालिफाई कर दिया गया है, इससे क्या होगा उनके लिए एक एडवांटेज हो सकती है, सिर्फ उनको 30 नंबर लाने हैं और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, वॉइस मॉडल्स काइंड ऑफ सेंटेंस जिसमें आपके 3 टाइप ऑफ सेंटेंस होंगे। उसके बाद है हमारा क्लॉजेस, नॉन फाइनाइट वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ईडियम एंड फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, स्पॉटिंग एरर जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एंटोनिम सिनोनिम पैरोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नैरेटिव, पंक्चुएशन, सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग। ये सभी जो टॉपिक्स हैं सभी आपने DSSB में पहले से ही आपने पढ़ रखे होंगे, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि SSC MTS हो गया, SSC CHSL हो गया, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे भी कॉमन हैं। तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है इस वक्त, उन सबको ये टॉपिक्स पहले से ही उन्होंने पढ़े हुए हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना और थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। आप अरिहंत की SP बख्शी की बुक आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, और वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और बड़ी ही इजी लैंग्वेज में आपको ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। और बाकी आप क्लास 10th की बुक भी पढ़ सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और जो भी आपको बुक अच्छी लगे आप वो परचेज़ कर सकते हो। बाकी इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। आपका जो पार्ट 2 है वो आपका डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। तो चलिए पार्ट 2 पे हम देखते हैं क्या है सिलेबस। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में जो हमारे टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, वो होंगे कला एवं संस्कृति, खेल कूद यानी स्पोर्ट्स, महत्वपूर्ण दिन यानी जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं हमारे, नेशनल डेज हो गए और नेशनल पार्क्स हो गए हमारे इंडिया में, और महत्वपूर्ण किताबें एवं लेखक यानी जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि हाल ही में लिखी गई है और जिनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, नदी झील और जल प्रपात, विज्ञान एवं तकनीकी और आविष्कारक जितने भी हमारे इन्वेंशन हुए हैं उन सब के आविष्कारकों का भी आपको नाम याद रखना है, नोट्स बना लें आप। भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी, मुद्रा एवं संसद, राज्यपाल और राज्य और राजधानियाँ, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे कि भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, भारत चीन की सीमा को क्या बोलते हैं, भारत बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और विभिन्न सैन्य अभ्यास जितने भी हमारे अभी सैन्य अभ्यास हाल ही में हुए हैं उन सब का आपके पास आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अस्थायी सदस्य भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत अभी अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र का, देश की राजधानी, मुद्रा, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख समाचार, वर्ल्ड रिपोर्ट एंड इंडेक्स रिपोर्ट, बिहार के पर्यटन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार के पर्यटन आपको पढ़ने जाना है क्योंकि आप बिहार में ये एग्ज़ाम दोगे और बिहार का ये एग्ज़ाम है, तो आपको बिहार के पर्यटन तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिहार के प्रमुख पहाड़ हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने बताया, इसमें अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो आप 25 में से 25, 30 में से 30, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जिसमें इतने पूछे जाने वाले हैं वो आप बड़ी इजीली स्कोर कर सकते हो। इसमें हमारा नंबर सिस्टम है, HCF एंड LCM है, फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, इंडिसेस एंड सेट्स है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, यूनिटरी मेथड, प्रॉब्लम ऑन एज, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, एडवांस मैथ जिसमें हमारी ज्योमेट्री वगैरह इंक्लूड होगी, ये सभी टॉपिक्स आएंगे।
और काफ़ी अच्छा मैथ का वेटेज इस बार रखा गया है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने DSSB की प्रिपरेशन करते वक्त आपने पढ़े होंगे, और ये ऐसे टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन है, तो लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स ने टॉपिक पढ़े होंगे। और बस आपको इसकी प्रैक्टिस लगातार आपको 2 से 3 घंटे डेली आपको देने हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और काफ़ी स्कोरिंग ये सब्जेक्ट रहने वाला है। उसके बाद अब आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, और जिसका ये सब्जेक्ट अच्छा है उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाली है। जैसे कि हमारे साइंस के कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी सोशल साइंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्ट्स ली थी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट लिए थे, वहाँ पर उनको एडवांटेज मिलने जा रहा है। लेकिन आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है और आप लोग अच्छे से ये जो हमारे सब्जेक्ट है इनको आप पढ़ सकते हो, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये आपको NCERT की बुक से पढ़ने हैं और बिहार बोर्ड की बुक से आपको पढ़ने हैं। इसमें क्लास 6 से 8 आपको NCERT से पढ़ना है और क्लास 8 से 10 ये आपको बिहार बोर्ड के बुक से पढ़ना है। और ये आपको ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी फ़िलहाल 1 महीना रह गया है, तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे तो आप 1 महीने में सिर्फ यही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे, बाकी सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे, जो कि आपका एक सब्जेक्ट से तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बुक सजेस्ट करूँगा, बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने एक बुक का आपको रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आपका उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप जाके देखिए। प्रैक्टिस सेट है, उसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट है, वो आप जाके देखिए और वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जिसकी मैंने अभी रिव्यू किया नहीं है, वो उसका मैं रिव्यू करूँगा, जो कि मैंने खुद बाय की और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो बुक बहुत अच्छी लगी। काफ़ी अच्छा कंटेंट, काफ़ी प्रिसाइज कंटेंट और बहुत ही अच्छी बुक है वो, उसका मैं रिव्यू अभी करने वाला हूँ। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको उस बुक का रिव्यू चाहिए, और उसका बुक मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और अभी करंट में उस बुक को ही पढ़ रहा हूँ, तो वो बुक काफ़ी अच्छी है। उस बुक में अगर आप उस बुक को पढ़ लेते तो आपको NCERT की और बिहार बोर्ड की बुक को पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस बुक का मैं रिव्यू कर दूँगा, आप उस बुक को पढ़ सकते हो, काफ़ी आपकी हेल्प करेगी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से फंसने वाले हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँगा EVS की, तो EVS में आपको क्लास 5 से 6 तक आपको NCERT की बुक पढ़नी है, जो कि अभी आपने KVS का भी हाल ही में आप लोगों ने पेपर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने KVS का पेपर दिया है, तो बिहार के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने KVS का पेपर दिया है, तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है, तो आपको इतना ध्यान देने की इस पर ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, आप वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर। और बात रही जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक की NCERT की बुक आपको फॉलो करनी है। और अगर आप अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके और सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको मैं उस बुक का आपको रिव्यू करूँगा, आप वहाँ पे जाके उस बुक पढ़ सकते हैं, वो भी क्लास 6 से 10 NCERT और SCERT का निचोड़ होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। आपको चैप्टर वाइज रहना है और सिस्टमेटिक रहना है, ऐसा नहीं कि जब मन किया कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, जब मन किया कोई सा भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, सिस्टमेटिक आपको चलना है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी की, यानी हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। जैसा कि आप लोगों को पता है 100 नंबर का क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन, 120 मिनट, यानी पर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको 30 सेकेंड में आप इसका आंसर कर सकते हो, जिसमें पहला है अल्फ़ाबेट सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिस्म, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, जो कि सारे बहुत इजी टॉपिक है, डाइस, रैंकिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, बॉक्स अनफोल्डिंग, जिसमें आपके बॉक्स होगा उसको अनफोल्ड करना होगा, और सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्यूब, और स्टेटमेंट, एजम्पशंस, ऑड वन आउट, बर्थडे, टाइम, रिलेशन क्वेश्चन, एज एंड फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये सारे जो हमारे टॉपिक है काफ़ी आसान है, आप अरिहंत की कोई से भी आप बुक खरीद सकते हो, या फिर जो भी बुक आपको अच्छी लगे आप खरीद सकते हो, ये सारे इजी टॉपिक हैं। आप यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हो, बाकी आप ही आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें और ध्यान रखें, अगर आप
ज़्यादा वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो भी आपके लिए एक तरीके से आपका टाइम किल हो रहा है और आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके पास अभी इतना टाइम है नहीं कि आप यूट्यूब पे 20 से 25 क्वेश्चन के लिए आप 1.5-2 घंटे दे रहे हो, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और जो बुक्स मैं बता रहा हूँ आप उसको बाई कीजिए, और जो बुक जो कोई भी बुक आपको अच्छी लगती है आप उसको बाय करिए। मेरा कहने का मतलब भी इतना है कि आप इस वक्त बुक को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई सी भी एक स्पीडी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, बस उसी को आप पढ़ना है आपको। इसके अलावा आप यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बस एक वीडियो पर डे आपको देखनी है। उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, वो है जीके ट्रिक्स करके है, जिसमें आप डेली एक वीडियो देख सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड। और जिसमें करंट अफेयर के टॉपिक्स आपको देखने हैं वो है स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल डेज, इंडेक्स रिपोर्ट, गवर्नमेंट चेंजेस, जितने भी गवर्नमेंट में हाल ही में चेंजेस हुए हैं, चाहे वो कैबिनेट हो चाहे कुछ भी किसी भी रीज़न से हो वो होगा, अपकमिंग लॉज, अवार्ड शोज, रीसेंट इलेक्शन एंड जो भी हमारे अभी रीसेंट के इलेक्शन हो चुके हैं और होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज रखनी है, अपकमिंग इलेक्शन, इन्वायरमेंटल समिट, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट समिट हैं अभी हाल ही में वो भी आपको याद रखने हैं, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, वो सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपका G20, G20 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसके बारे में पढ़ के जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं या आपको देखना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो 11th और 12th से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस के। तो जो आपके 11th एंड 12th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ज़्यादातर बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़नी है, बस 11th और 12th में सिर्फ आपको बायोलॉजी पढ़नी है। और ये सभी चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, जितने भी कुछ चैप्टर्स हैं, बस अगर आपके पास टाइम हो तो ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिसमें अभी आप वीक हो, अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो ही आपको इन सभी चैप्टर्स को आपको कवर करना है। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आप जितने भी मैंने देखे हैं, रिसर्च करा है, तो आपको इन सभी चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब बात आई हमारे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए आपको 6 से 10 तक की NCERT की किताब फॉलो करनी है, और फिजिक्स के लिए भी आपको 6 to 10 NCERT की बुक फॉलो करनी है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आपके पास लग रहा है आपको आपके पास काफ़ी ज़्यादा अभी और अदर सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना है, तो आप कुछ ऐसी बुक्स को सर्च कीजिए जिनमें ये सभी बुक जिनमें सारे ये सारे जितने भी चैप्टर है ये प्रिसाइज करके दे रखा हो एकदम, एक जिसमें ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना दी गई हों। तो ऐसे बुक्स मैं आपके लिए रिव्यू करूँगा आगे जाके। आप अपने वीडियो में हम वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी रिव्यू होंगे मैं आपको दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी BPSC की उसका मैं रिव्यू करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज़। और अब बात आई जो नया हमारा सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपके जो सब टॉपिक रहेंगे वो होगा कांग्रेस का गठन, बंगाल का विभाजन, गांधी जी के सभी आंदोलन जितने भी हैं आपको पढ़ के जाना है, होम रूल लीग, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नरसंहार, असहयोग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना, ये सभी आंदोलन बिहार के, इसमें इन सभी आंदोलन में बिहार का योगदान क्या है वो भी आपको पढ़ के जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है। तो इन सब आंदोलनों में बिहार का क्या योगदान है, बिहार के कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने इन आंदोलनों में भाग लिया, ये सभी आपको पढ़ के जाना है। याद रखिएगा ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ मिलेंगे। और बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिहार का योगदान आपको याद ज़रूर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात आई बिहार जी के, तो बिहार जी के भी
कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान तो देना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप बिहार जी के कुछ बुक्स फॉलो कर सकते हैं, और या तो आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। तो बिहार जी के कुछ कॉमन क्वेश्चन ये रख सकते हैं, बिहार का केसरी किसे कहा जाता है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बिहार की प्रथम हिंदी समाचार कौन सा था, बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी, बिहार के प्रथम अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के कुल विधानसभा सीटें कितनी है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल कौन है, बिहार के प्राचीन नाम क्या था, बताइए जरा आप कमेंट में, बिहार का प्राचीन नाम कहाँ था, बिहार का नाम कहाँ से लिया गया है बताइए, बिहार का सबसे बड़ा गाँव कौन सा है, बिहार प्रथम महिला कौन मुख्यमंत्री कौन सी थी, बिहार का शोक किसे किस नदी को कहा जाता है, प्लीज़ बताइए, अगर आप बिहार से हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, बिहार राज्य में कितने नदियां बहती हैं, बिहार राज्य झारखंड से कब अलग हुआ बताइए, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, बिहार में सर्वाधिक बोया जाने वाली अनाज कौन सी है, बिहार में किस ज़िले में फलों का सार्वजनिक उत्पादन होता है, तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को आप प्लीज़ इन पर वर्क कीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए इन सब के सभी क्वेश्चन के आंसर, आप गूगल से गूगल का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो को पसंद आए तो आप विजिलेंट कैंपस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो में आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सबका रिव्यू करता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आज के लिए धन्यवाद।